नगर निगम क्षेत्र के नियमों के अंदर आती है, अंतर्गत आती है, सारी सुविधाएं उनको मिलेंगी। मैं आभार व्यक्त करूंगी सबसे पहले अपने 40 के 40 पार्षदों का, और आभार व्यक्त करती हूँ यहाँ के जागरूक लोगों का, जैसे डॉक्टर डीएम तिवारी जैसे लोगों का, उनकी पूरी टीम का, कि उन्होंने हम तक वो बात पहुँचाई, यहाँ के लोगों का दुख दर्द पहुँचाया। और हमने नगर निगम में दूसरी बैठक बोर्ड बैठक में ही प्रस्ताव पास करा, सभी 40 पार्षदों ने मैंने स्वयं उसको एक स्वर में पास करा, एक स्वर में पास करके शासन को भेजा, और शासन ने भी उसमें जरा भी देरी नहीं लगाई। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब हमारे नगर निगम का एक वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में जो कार्यक्रम था, उसमें उन्होंने अपने मुखार बिंदु से दोस्तों नगर निगम क्षेत्र में सम्मिलित करने की घोषणा करी। मैं उनका आपके माध्यम से आभार व्यक्त करती हूँ। अब जल्दी जैसे जियो आता है, जियो आने के तुरंत बाद यहाँ पे वो सारी सुविधाएं शुरू हो जाएंगी। उससे पहले ही क्योंकि यहाँ पर इंसान ही रहते हैं वो भी, और हमारा कर्तव्य बनता है कि जो हमारे बगल का क्षेत्र छुटा हुआ है, मूलभूत सुविधाओं से वंचित है, हमने यहाँ पे क्योंकि लगातार गुलदार की बात आ रही थी, क्षेत्र के लोग लगातार आ रहे थे कि गुलदार यहाँ पे बैठा हुआ है, वो आदमखोर हो चुका है, और रात को बच्चे हों चाहे बुजुर्ग जो भी हों, कोई भी बाहर नहीं निकल पाता है। तो हमने यहाँ पे 12 लाइटें लगा दी हैं, 10 लाइटें और लगाएंगे मुख्य मार्गों पे, सफाई व्यवस्था की, क्योंकि स्वच्छ रखने का कर्तव्य हमारा सारे अपने घर को नहीं है, अपने क्षेत्र, अपने वार्ड, अपने नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत नहीं है, और थोड़ा अगल बगल भी हमको देखना पड़ेगा। हमने स्वच्छता के लिए यहाँ पे हमने कूड़ा उठान वाहन तीसरे चौथे दिन इसकी व्यवस्था कर ली है, क्योंकि रोज तो नहीं घुमा पाएंगे। तीसरे चौथे दिन यहाँ पे कूड़ा उठान का वाहन घर घर जाएगा, दो सफाई कर्मचारी हमारे कॉलोनी में सफाई व्यवस्था में लगेंगे। तो ये सारी सुविधाएं, उसे जितनी भी नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत जो सुविधाएं आती है, वो सारी सुविधाएं दी जाएंगी।